हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ लेडीज़ से रिलेटेड, जिसमें कि आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लेडीज़ जो होती हैं वो शमशान घाट पर क्यों नहीं जाती हैं, उनके जाने मनाही क्यों है। जब दोस्तों आप जानते हैं, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, दुख में उनके आंखों से आंसू बहते हैं। आंसू बहते हुए पुरुषों से ज़्यादा जो लेडीज़ होती हैं उनको देखा गया है। जब अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल होता है तो वहाँ लेडीज़ नहीं जाती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जिसमें कि पहला रीज़न ये है कि महिलाओं का शमशान घाट में रोना। लेडीज़ होती है उनका दिल आदमियों की अपेक्षा थोड़ा कम कठोर होता है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार में ऐसे में आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो दूसरा रीज़न ये है दोस्तों, भटकती आत्माओं और भूत प्रेतों का लेडीज़ को ज़्यादा खतरा, जो कि शमशान घाट पर रहती हैं। इसके बारे में जानते हैं कि कहते हैं कि शमशान घाट पर आत्माओं का वास ज़्यादा होता है, जिनसे लेडीज़ को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। कहते हैं कि बुरी आत्माएं जो लेडीज़ वर्जिन लेडीज़ होती हैं उनको निशाना जल्दी बनाती हैं। दी थर्ड रीज़न है दोस्तों, साफ़ सफाई और भोजन की व्यवस्था। जब डेड बॉडी हमारे घर से चली जाती है तो हमारे घर के आंगन को धोया जाता है, उसके बाद खाने की व्यवस्था करी जाती है। ये इसलिए करते हैं कि घर पर निगेटिव एनर्जी ना रहे। और फोर्थ रीज़न है दोस्तों, बालों का कटना। जब इसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों, अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद जब परिवार के लोगों को अपने बाल कटवाने होते हैं, इस प्रथा से लेडीज़ दूर रहती हैं, इसलिए वहाँ उनको जाने की अनुमति नहीं रहती है। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।